फोर्थ जो है हमारा दैट इज लॉन्ग रेंज कपलिंग कॉन्स्टेंट. होता क्या है लॉन्ग रेंज कपलिंग कॉन्स्टेंट में भाई, क्या होता है आपको होता है सी एच दैट इज 1J कपलिंग, सी सी एच एच दैट इज 2J कपलिंग. 1J कपलिंग होती थी मेरी 125 हर्ट्ज के आसपास, 2J कपलिंग होती थी मेरी 17 हर्ट्ज के आसपास, सॉरी 2J कपलिंग होती थी 17 हर्ट्ज के आसपास. 3J कपलिंग कितनी होती थी मेरी 7 से 8 हर्ट्ज के आसपास. वहीं 4J कपलिंग मेरी कितनी होती है 0 होती है. पर कभी कभी ये 4J कपलिंग भी हो जाती है, कभी कभी मेरी ये 4J भी कपलिंग हो जाती है. कब? इफ अनसेचुरेशन कम, इफ बट इफ अनसेचुरेशन कम्स ओनली 4J कपलिंग होगा तभी 4J कपलिंग होगी. ठीक है, और कितनी होती है जैसे ये सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच एच है तो ये प्रोटॉन इससे कपल कर सकता है और इसकी 4J कपलिंग 1 से 3 हर्ट्ज हो सकती है. ठीक है, अनसेचुरेशन. पर कुछ सैचुरेटेड कंपाउंड भी 4J कपलिंग देते हैं, इंपॉर्टेंट बात है जो ये एक्सेप्ट सम सैचुरेटेड कंपाउंड्स. वो सैचुरेटेड कंपाउंड कैसे हैं जैसे ये मान लिया मैंने, ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ यहाँ एक प्रोटॉन है और क्या है ये एक प्रोटॉन जुड़ा हुआ है. तो देखो इसमें जो अरेंजमेंट बनी है वो W टाइप अरेंजमेंट बन गई, ये दिस दिस एंड दिस. जब भी मेरी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ये W टाइप अरेंजमेंट बन जाती है, W अरेंजमेंट, तो इसकी वजह से दोनों प्रोटॉन मेरे क्या हो जाते हैं पास आ जाते हैं और 4J कपलिंग मिल जाती है जो होती है मेरी 1 से 3 हर्ट्ज के आसपास, 1 से 3 हर्ट्ज के आसपास. ठीक है, ठीक है. अरेंजमेंट कब बनेगी ये W अरेंजमेंट, इन ब्रिज हेड कंपाउंड ऑलमोस्ट टाइम इन ब्रिज हेड कंपाउंड्स बनेगी, इन ब्रिज हेड कंपाउंड्स ये अरेंजमेंट बनेगी. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगी क्लोजनेस आ जाएगी, क्या आ जाएगी क्लोजनेस, और इस क्लोजनेस की वजह से मुझे क्या मिल जाएगा सिग्नल मिल जाता है. ठीक है, लॉन्ग रेंज कपलिंग में एक टाइप की कपलिंग होती है दैट इज मेटा कपलिंग. अगली कपलिंग कौन सी होती है मेटा कपलिंग की बात करते हैं भाई. मेटा कपलिंग भी होती है, पैरा कपलिंग भी होती है. देखो ये कुछ उसी तरीके का हो गया ना, एच एच. देखो दो चीज है यहाँ, 1 2 3 4 चार बॉन्ड है प्लस बीच में अनसेचुरेशन आ गया तो कपलिंग ये भी होगी, अनसेचुरेशन वाला केस भी आ गया. प्लस दूसरी चीज आपको दिख रही होगी कि यहाँ भैया W भी बन रहा है, ए दिस 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 बन गया ना, W बन गया. अब W की वजह से क्लोजनेस भी आ गई और अनसेचुरेशन भी आ गया जिसकी वजह से हमें यहाँ 4J कपलिंग मिल जाती है, मेटा कपलिंग भी बोलते हैं जिसको 1 से 3 हर्ट्ज होती है. ठीक है, यहाँ क्या है अनसेचुरेशन एज वेल एज W बन रहा है भैया, अनसेचुरेशन भी आ रही है W भी बन रहा है. इसके बाद आती है 5J कपलिंग की बारी, भैया लॉन्ग रेंज कपलिंग में 5J कपलिंग भी कोई चीज होती है और यह आप बोल सकता हूँ यहाँ पैरा कपलिंग की भी बात है. जैसे H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5J कपलिंग कभी नहीं मिलती, 0 हर्ट्ज होगी यहाँ. पर अगर मेरे पास दो अनसेचुरेशन है सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच एच तो ये मिल जाती है भैया, दो डबल बॉन्ड आने चाहिए 5 बॉन्ड के बीच में तो 5J कपलिंग मिल जाती है 0 से 1 हर्ट्ज के आसपास. ठीक है, 5J ओनली कम्स व्हेन टू डबल बॉन्ड्स अराइजेस बिटवीन द 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड के बीच में कम से कम दो डबल बॉन्ड हो तो 5J कपलिंग मिल जाती है. और इसका एक एग्जाम्पल क्या है पैरा कपलिंग, क्या है पैरा कपलिंग इसका एक एग्जाम्पल है. और पैरा कपलिंग मतलब पैरा कपलिंग में देखो 1 2 H H
देखो एक बोन, दो बोन, तीन बोन, चार बोन और पांच बोन, और इन पांच के बीच में दो डबल बोन, तो इन पांच के बीच में दो डबल बोन आने की वजह से 5J कपलिंग मिल जाती है, और इसको पैरा कपलिंग भी बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू 0 से 1 हर्ट्ज होगी। अब एप्लीकेशन क्या है इस लॉन्ग रेंज कपलिंग की, यहाँ लिख लेना कि पैरा भाई 5J कपलिंग तभी होगी जब पांच बोन में से कम मिनिमम दो बोन डबल बोन हो, ठीक है। डबल बोन होने की वजह से क्लोजनेस आ जाएगी, डबल बोन शॉर्ट होते हैं, ठीक है, और सिंगल बोन क्या होते हैं, लॉन्ग बोन होते हैं, लंबे बोन होते हैं, ठीक है। लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग रेंज कपलिंग, नेक्स्ट इज क्या एप्लीकेशन है, इज टू फाइंड आउट द पॉजिटिव, इज टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक, पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इस लॉन्ग रेंज कपलिंग से फाइंड आउट हो जाती है। कैसे होती है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखता हूँ, इससे जुड़ा हुआ COCl, इससे जुड़ा हुआ Cl, HA, Cl, HB, HC, देखो अब ये क्या है, अब HB HC से भी कपल करेगा और HA से भी कपल करेगा, तो ये क्या बनाएगा, डबली डबलेट। HC भी क्या बनाएगा, B से कपल करेगा, A से करेगा, डबली डबलेट। HA भी क्या बनाएगा, डबली डबलेट। अब कौन कौन सा कहाँ लगा हुआ है ये मुझे बताएगी मेरी लॉन्ग रेंज कपलिंग, ठीक है। अगर बात करूँ मैं किसकी, दूसरा कंपाउंड हो इसी तरीके का सिमिलर, ठीक है, जहाँ COCl लगा हो, ठीक है, Cl सब्स्टिट्यूटेड, Cl सब्स्टिट्यूटेड, HC यहाँ लगा हो, HB यहाँ लगा हो, HA यहाँ लगा हो, यहाँ भी इसका भी डबली डबलेट मिलेगा, इसका भी डबली डबलेट मिलेगा, और इसको भी क्या मिलेगा, डबली डबलेट मिलेगा। आओ देखते हैं कि दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करा जा सकता है मेरा लॉन्ग रेंज कपलिंग के बेसिस पर, या कैसे सब्स्टिट्यूशन का पता चल सकता है कि कहाँ कौन सा ग्रुप किसके ऑर्थो, पैरा या मेटा पर लगा हुआ है, और वो बात हम जानते हैं, ठीक है। देखो अभी इसमें क्या होगा, पैरा कपलिंग है, यहाँ कहीं ना कहीं पैरा कपलिंग है, तो पैरा कपलिंग नेग्लिजिबल होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। पैरा कपलिंग कैसे होगी, नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। इसमें तीन सिग्नल है, बेसिकली तीन सिग्नल है, ये बात तो पता है, और 7 से 8 ppm के आसपास है इसकी रेंज, सेम उसमें है, तीन सिग्नल है, 7 से 8 ppm है, कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, सिर्फ कपलिंग कॉन्स्टेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं HA की कपलिंग देखूं, HA की कपलिंग देखूं, तो कहीं ना कहीं HA HB से कपल कर रहा है, दैट इज कौन सी कपलिंग है, मेटा कपलिंग है। HA कपल कर रहा है किससे, HB से, तो मेटा कपलिंग है, या बोलूं 3JAB, AB का कपलिंग कांस्टेंट कितना है, मेटा कपलिंग, यानी 3 हर्ट्ज के आसपास मान लो, ठीक है। HA HC से कपल कर रहा है, तो इसका कपलिंग कांस्टेंट 1 हर्ट्ज मान लो, बस कितना है, 1 हर्ट्ज है। वहीं बात करूं HB की, HB जब कपल कर रहा है HC से, तो यह देखो ये सिस कपलिंग है, तो इसका HB जब HC से कपल कर रहा है तो इसका कपलिंग कांस्टेंट लगभग 8 हर्ट्ज है। वहीं HB जब HA से कपल कर रहा है तो वही 3 हर्ट्ज का कपलिंग कांस्टेंट है। अब बात करूं मैं HC की, सॉरी HA की होगी, HB की होगी, HA की होगी, HB की होगी, HC की बात करता हूँ, HC जब कपल कर रहा है HB से तो इसका कपलिंग कांस्टेंट है 8 हर्ट्ज। वहीं HC कपल कर रहा है HA से तो इसका कपलिंग कांस्टेंट है वही 1 हर्ट्ज के आसपास, क्योंकि दैट इज पैरा कपलिंग, ठीक है। तीनों कपलिंग पैटर्न अलग है। जब यहाँ देखेंगे HA कपल कर रहा है HB से,
एच ए कपल कर रहा है एच बी से, तो यहाँ कपलिंग कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा मेरा, वही 8 हर्ट्ज के आसपास। फिर एच ए कपल कर रहा है किससे मेरा, एच सी से, दैट इज मेटा कपलिंग 3 हर्ट्ज के आसपास होगा। वहीं बात करता हूँ मैं एच बी की, एच बी कपल करेगा एच ए से, वही 8 हर्ट्ज के आसपास। एच बी कपल करेगा एच सी से, वो भी कितना होगा मेरा, 8 हर्ट्ज के आसपास। तीसरी बात करूँ एच सी कपल करेगा एच बी से, जो गोले में है वो कपल कर रहा है 8 हर्ट्ज। वहीं एच सी कपल करेगा एच ए से, तो इसका कपलिंग कॉन्स्टेंट कितना होगा, 3 हर्ट्ज के आसपास। तो देख सकते हैं आप भाई, तीनों का अलग अलग कपलिंग पैटर्न आया, दोनों केस में तीनों का अलग अलग कपलिंग पैटर्न आया, और अलग अलग कपलिंग पैटर्न ही डिफरेंशिएट कर देगा इन सिग्नल्स को। अगर मैं बना बना के दिखाऊं तो देखो कैसे डबली डबलेट आप बना ही सकते हैं, जैसे बार बार मैंने बना के दिखाया है। जैसे ये मैं ए का बना के दिखा देता हूँ, यहाँ एच ए कपल करेगा एच बी से, ठीक है, एच ए कपल कर रहा है किससे, एच बी से, और इसका गैप कितना आ रहा है, 8 हर्ट्ज डबलेट में। और इसके बाद ये एच ए किससे कपल कर रहा है, एच सी से, 3 हर्ट्ज आ रहा है, 3 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, और इन दोनों के बीच का गैप कितना रहेगा, 5 हर्ट्ज। तो ये एनएमआर में कुछ किस तरीके से दिखेगा सिग्नल, TMS, और जहां भी सिग्नल देखेगा डब्ल्यू डब्ल्यूट में A, ठीक है, यानी इन दोनों पीक्स के बीच, दोनों डब्ल्यूट के बीच का गैप तो कितना है, 5 हर्ट्ज, और इसका गैप कितना है, 3 हर्ट्ज, 3, और इसका भी गैप कितना है, 3 हर्ट्ज के आसपास, ठीक है। ऐसे सबके बना के देखेंगे आप अपनी नोटबुक में, सबके बनाएंगे, सबके भी 3, 2, 5, सबके 6 के 6 के पैटर्न बनाएंगे, इसका भी पैटर्न बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, और ये वाला भी, कि सिग्नल में कैसा अपीयर होगा और ये स्प्लिट कैसा होगा, बिल्कुल ये भी बनाएंगे, ये भी, ये भी, ये आपको बिल्कुल कंप्लीट करेंगे जब नोट्स बना रहे होंगे, तो बिल्कुल ये सारे के सारे पैटर्न लिख के देखेंगे, और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में भाई डिफरेंस है क्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर 2016 नेट का क्वेश्चन है। देखो पैरा कपलिंग कभी कभी वो दे भी नहीं सकता भाई, क्योंकि कभी कभी बोल दे कि पैरा कपलिंग हो ही नहीं रही, मतलब 0 हर्ट्ज। अगर पैरा कपलिंग कभी कभी, अगर सुन लो, कपलिंग कांस्टेंट सिर्फ डब्ल्यू डब्ल्यू दिया हुआ, तो पैरा कपलिंग को नेग्लिजिबल मान के 0 भी कर सकता है वो, क्या कर सकता है, पैरा कपलिंग को नेग्लिजिबल मानकर 0 हर्ट्ज भी कर सकता है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, दो स्ट्रक्चर दिए थे 2016 नेट का क्वेश्चन है, ठीक है, NO2 NR2 HBr, और एक स्ट्रक्चर दिया था ये NO2 NR2 Br, ठीक है। अब उसने पूछा था इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है जब डाटा गिवन हो 8.0 ppm, डबली डबलेट ऑफ कपलिंग कांस्टेंट 7 हर्ट्ज, कितने का, और 2 हर्ट्ज, भैया दो कपलिंग कांस्टेंट J1 7 हर्ट्ज, J2 8 हर्ट्ज, 8.4 ppm है, डबलेट मिलेगा सिर्फ J=2 हर्ट्ज। देखो यहाँ सिर्फ डबलेट मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पैरा कपलिंग की भी बात कर सकता है वो, और 6.9 ppm डबली डबलेट कितना, 7 हर्ट्ज, ठीक है, डबली डबलेट 7 हर्ट्ज की बात करते हैं। तो ये प्रोटॉन बना लो, यहाँ भी ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, देखो सिग्नल देख लेते हैं, इसका क्या मिलेगा, डबली डबलेट मिलेगा, पैरा कपलिंग को अगर नेग्लिजिबल मान लो तो इसका सिर्फ डबलेट मिलेगा, और इसका भी सिर्फ डबलेट मिलेगा, डबली डबलेट डबलेट डबलेट, कहीं ना कहीं ये रिलेटेबल है। इसकी बात करूँ ये डबली डबलेट मिलेगा, सॉरी डबलेट मिलेगा, ये डबली डबलेट मिलेगा, और ये सिर्फ डबलेट मिलेगा, देखो तीनों में भी ऐसे मिल रहा है, इसमें भी डबली डबलेट, एक का डबलेट, एक का डबलेट। अब डिपेंड करता है भैया कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है, तीनों का स्प्लिटिंग पैटर्न भी सेम है, कि अगर मैंने पैरा को नेग्लिजिबल माना तो एक का डबली डबलेट, बाकी दो के डबलेट, उसमें भी एक का डबली डबलेट, बाकी दो के कपलेट। तो यहाँ डिपेंड क्या करेगा, स्प्लिटिंग पैटर्न, मल्टीप्लिसिटी, देखो नंबर ऑफ सिग्नल,
दूसरा केमिकल शिफ्ट, तीसरा मल्टीप्लिसिटी, ऑल आर सेम, कपलिंग कांस्टेंट ही अलग फैक्टर है, ये कपलिंग कांस्टेंट ही डिफाइन कर देगा। जिसका डबली डबलेट मिल रहा है उसका एक तो 7 हर्ट्ज है, डबली डबलेट जिसका मिल रहा है भैया उसकी शिफ्ट कितनी है 8 ppm है, कितनी है सिर्फ 8 ppm है। अब ये एक पहले प्रोटोन की इंफॉर्मेशन, दूसरे प्रोटोन की, तीसरे प्रोटोन की इंफॉर्मेशन, अब इसका डबली डबलेट मिल रहा है तो इसकी शिफ्ट 8 ppm NO2 के ऑर्थो पर लगा हुआ ग्रुप है, यहाँ यहाँ जिसका डबली डबलेट है वो NO2 के मेटा पर लगा हुआ है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑर्थो और पैरा पोजिशन के लिए। तो मैंने तो ये पहले स्टेटमेंट भी निकाल दिया, थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज से ही पता चल गया कि भैया जिसका डबली डबलेट मिल रहा है वो 8 ppm है, जिसका सिर्फ डबलेट मिल रहा है वो 8.4 ppm है, ये रहा, क्योंकि इसके इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और Nr2 इसकी एक डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। देखो बिल्कुल GOC की इंफॉर्मेशन से मुझे यहाँ सिर्फ सब कुछ पता चल गया, दैट इज प्लस M ग्रुप, ये माइनस M ग्रुप, तो ये माइनस एम ग्रुप ऑर्थो और बेटा से खींचेगा, ऑर्थो और पैरा से खींचेगा, तो ऑर्थो इन दोनों ऑर्थो से खींच रहा होगा, ये ऑर्थो पैरा पे डोनेट कर रहा होगा, ये डबली डबलेट सबसे ज्यादा है 8.4 ppm, किसकी पीक है डबलेट की, इसी की हो सकती है बस 8.4 ppm डबलेट, क्योंकि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं देखो इसके पास में, लेकिन यहाँ एक डोनेटिंग ग्रुप है इसके लिए और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सॉरी Nr2 डबलेट मिल सकता है इसका भी। अगली बात कर सकते हैं 6.9 ppm पर डबली डबलेट डबलेट मिल रहा है, 6.9 ppm पर सिर्फ डबलेट मिल रहा है वो भी, ठीक है। तो हमें जो बेसिकली 8.4 ppm पर दूसरा प्रोटॉन मिल रहा है उसके लिए, इसके लिए ये है, इसके लिए है थर्ड प्रोटॉन 6.9 पर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये थर्ड प्रोटॉन होगा, वैसे तीनों और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थर्ड प्रोटॉन के लिए ये बैठ रहा है, चलो इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पर Br इसके लिए विड्रॉ कर रहा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो सही स्ट्रक्चर बैठ रहा है ये बैठ रहा है और गलत स्ट्रक्चर बैठ रहा है ये, क्योंकि यहाँ ये शिफ्ट केमिकल शिफ्ट ने डिफ्रेंशिएट किया, पर ये कपलिंग कॉन्स्टेंट के बेसिस पर, किसने कपलिंग कॉन्स्टेंट के बेसिस पर, ठीक है। क्योंकि इफ ओनली इन फर्स्ट 8 ppm वाला जो सिग्नल है एंड 8.5 वाला सिग्नल है चेंज्ड इन 6.0 ppm एंड 6.5 ppm देन आंसर इज सेकेंड, देन आंसर इज सेकेंड, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर 8 वाले ppm की केमिकल शिफ्ट को 6 ppm कर दो और 8.5 वाले को 6.5 कर दो या 8.4 वाले को 6.5 कर दो, तो मेरा आंसर फर्स्ट की जगह क्या हो जाता, सेकंड हो जाता। अब इस केस में कौन सा आंसर है, फर्स्ट है, सेकंड वाला आंसर नहीं है मेरा, ठीक है। आगे बात समझ में आप लोगों को, अब अगला फैक्टर देखते हैं, ठीक है। ये था कपलिंग कॉन्स्टेंट, यहीं पर एंड होता है कपलिंग कॉन्स्टेंट के बारे में, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ना आपको ज़रूरत है और बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत बुक्स भरी पड़ी हैं, ठीक है, बहुत मटेरियल रिसर्च पेपर पढ़ो, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है वो। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट फैक्टर इज डेल न्यू बाई जे। डेल न्यू क्या होता है बेसिकली, डेल न्यू बाई जे नहीं छठा फैक्टर है। इट इज द इक्वल्स टू, मतलब केमिकल शिफ्ट डिफरेंस, इसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट डिफरेंस, केमिकल शिफ्ट डिफरेंस। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, बस दो बातें जानेंगे कि भैया ये देखो क्या होता है, जैसे मेरे पास ये है एग्जांपल BrCHCl2, इसका क्या मिलेगा मुझे डबलेट मिलेगा और इसका भी क्या मिलेगा मुझे डबलेट मिलेगा, इसकी पीक मिलेगी 5.3 ppm पर और इसकी पीक मिलेगी मुझे 5.5 ppm, ठीक है। तो अगर ये TMS में कुछ सिग्नल दिखेगा तो ऐसे दिखेगा कि एक 5.3 ppm पर और एक 5.5 ppm पर डबलेट, ठीक है। अब इन दोनों डबलेट के बिल्कुल मिड से देखो, डबलेट है तो ऐसे स्प्लिट हुआ होगा, ये भी ऐसे स्प्लिट हुआ होगा, तो इनकी मेन जो केमिकल शिफ्ट होगी वो सेंटर पर होगी, इन दोनों के सेंटर से डिफरेंस को ही हम डेल न्यू बोलते हैं या डेल्टा डेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, केमिकल शिफ्ट डिफरेंस होता है, केमिकल शिफ्ट डिफरेंस होता है। ये क्या काम आता है रिजोल्यूशन में, जितना ज़्यादा केमिकल शिफ्ट डिफरेंस होगा उतना अच्छा मेरा स्पेक्ट्रा होगा, उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा। और इसका जो सेवन फैक्टर है वो काम का है,
डेल न्यू बाई जे, केमिकल शिफ्ट डिफरेंस डिवाइडेड बाई कपलिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये मुझे बताता है मेरा ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, क्या बताता है ऑर्डर ऑफ एनएमआर, क्या बताता है ऑर्डर ऑफ एनएमआर बताता है। अगर डेल न्यू बाई जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 है तो मेरा स्पेक्ट्रा होगा एनएमआर सेकेंड ऑर्डर, कैसा होगा सेकेंड ऑर्डर होगा। और वही बात करूँ अगर डेल न्यू बाई जे की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, ओ सॉरी 8 है, वही मेरा एनएमआर फर्स्ट ऑर्डर होगा, कैसा ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर होगा। ये कहीं कहीं 8 की जगह 10 भी लिखा हुआ है, 8 की जगह 10 भी है किसी किसी बुक में, ठीक है, तो ये 10 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, अगर 10 लिखा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जे या कपलिंग शिफ्ट की वैल्यू देगी, वो घबराने वाली बात नहीं है। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा क्या होता है फिर, जैसे मैंने मान लिया यही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों का कपलिंग कॉन्स्टेंट कितना है भाई, मान लिया इसका कपलिंग कॉन्स्टेंट मैंने कितना मान लिया, 100 MHz के इंस्ट्रूमेंट पर मैंने ये चलाया तो 1 ppm किसके इक्वल हो गया 100 Hz के इक्वल हो गया, 100 Hz के इक्वल हो गया, तो इसका कपलिंग कॉन्स्टेंट कितना है C, सिंगल बॉन्ड C, H, H कपलिंग है, तो इसकी कपलिंग कितनी होती है लगभग, इसकी होती है 8 Hz के आसपास होती है, ठीक है, बिसिनल कपलिंग है 8 Hz के आसपास होती है। अब यहाँ डेल न्यू की वैल्यू देखें, डेल न्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 ppm और 1 ppm 100 Hz के इक्वल है, तो 0.2 ppm किसके इक्वल हो गया 0.2 × 100 तो अप्रोक्सीमेटली 20 Hz के। तो यहाँ से मैं डेल न्यू बाई जे की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ गई 20/8, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कितने किसके इक्वल आ जाएगी 2.5, यानी लेस देन इक्वल टू 8, यानी एक सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा है, कैसा स्पेक्ट्रा है सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा है, मतलब इसका रिजोल्यूशन कम है। डेल न्यू बाई जे मुझे बताता है रिजोल्यूशन को, ये भी रिजोल्यूशन को बताता है, ठीक है, देखो क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेल न्यू पे डिपेंड करता है, डेल न्यू बाई जे की वैल्यू ज़्यादा, ठीक है, तो समझो मेरा एनएमआर फर्स्ट ऑर्डर, मतलब मेरी सिग्नल, ठीक है, मेरे सिग्नल बिल्कुल सेपरेट सेपरेट होंगे, अच्छा सा सुंदर सा मेरा एनएमआर स्पेक्ट्रा दिखेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा सेकेंड ऑर्डर, या इनका पता कैसे चलता है कि भैया सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा वो स्पेक्ट्रा होते हैं जो पास्कल इंटेंसिटी को नहीं फॉलो करते, पास्कल डू नॉट फॉलो पास्कल इंटेंसिटी, डज नॉट फॉलो पास्कल्स इंटेंसिटी, वहीं जो मेरे फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रास होते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर होते हैं जितने भी मेरे, वो सब के सब पास्कल इंटेंसिटी को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर होते हैं वो मेरे किसको फॉलो करते हैं, फॉलो पास्कल इंटेंसिटी, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न मेथड हैं कि फर्स्ट एनएमआर सेकंड ऑर्डर एनएमआर को किस ऑर्डर में कन्वर्ट करा जा सके, फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर में कन्वर्ट करा जा सकता है, बहुत सारे पैटर्न हैं, उनमें से वन ऑफ द फेमस है कि मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूं, जो इंस्ट्रूमेंट की मेरा 100 Hz का था अगर मैं उसे 1000 Hz का कर दूं तो क्या मेरा एनएमआर का सेकंड ऑर्डर, देखो अगर मैंने ये सेम कंपाउंड 1000 MHz वाले इंस्ट्रूमेंट पे किया होता तो मेरा स्पेक्ट्रा क्या आता, अब यहाँ 1 ppm किसके इक्वल आएगा 1000 Hz के इक्वल आएगा, तो डेल न्यू 0.2 ppm है, ppm में तो चेंज नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब जो मेरा 20 Hz आया था डेल डिफरेंस वो अब कितना हो जाएगा 200 Hz आएगा, कितना आ जाएगा 200 Hz का डिफरेंस आ जाएगा, अब मैं डेल न्यू बाई जे निकालूंगा 200/8 आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 25 के, और जो ग्रेटर देन 8 है तो अब ये एनएमआर स्पेक्ट्रा मेरा सेकंड ऑर्डर ना होगा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जब मैं अपना सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा को किसमें फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और मैं अपना क्लियरली अपनी पीक्स देख सकता हूँ कि मेरी पीक क्लियर क्लियर अवेलेबल है। जो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा होता है वो गंदा सा होता है, बिल्कुल सुगला सा होता है, ठीक है, ये एक के ऊपर एक पीक चढ़ी होती है, कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन सी पीक कहाँ जा रखी है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा बिल्कुल साफ साफ होगा, अच्छे से सब कुछ दिखा होगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से ये फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा होगा जनरली, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नाउ अब हम करेंगे जितने भी हमने पैरामीटर्स पढ़ लिए अपने 7 पैरामीटर, तो
बेसिकली सात पैरामीटर में हमें एनएमआर को पढ़ना था। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ पैरामीटर, उससे पहले हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन देखेंगे, फॉर्मूला से या मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर निकालना, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।